दो करोड़ रुपए की कार है दोस्तों, लेकिन वो मात्र आपको 70 लाख रुपए में मिल जाएगी। ऑटोमेटिक कंट्रोल आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको पुश बटन क्लोज मिल जाता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ शारिक अली एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फ्लाई राइड ऑफिशियल। दोस्तों आज के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज का जो स्टॉक मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये लग्जरी कारों का स्टॉक, इस तरीके के अगर आप और भी ज़्यादा स्टॉक देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी लग्जरी कार ओनर से पूछते हैं कि सर हम आपका स्टॉक शूट करना चाहते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा हम लग्जरी कारों का स्टॉक आपको दिखा पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ दिल्ली और NCR का लग्जरी कारों का स्टॉक नहीं, ऑल ओवर इंडिया का लग्जरी कार का स्टॉक आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज जहाँ हम विजिट कर रहे हैं वो आप पीछे ब्रांडिंग देख सकते हैं लग्जरी राइड पर। लग्जरी राइड की एक और वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ अशोक नगर में, इनके टोटल 6 स्टोर हैं नॉर्थ इंडिया में जो कि लग्जरी कार्स, प्री ओन्ड लग्जरी कार्स में डील करते हैं। तो अगर आप कोई भी लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं इंडिया में, जो भी लग्जरी कार आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं आपको वो कार भी दिखाने वाला हूँ जो 2 करोड़ की, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको यहाँ पर सिर्फ 70 लाख रुपए में मिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा बचत आपकी हो जाती है। वो होने वाली है पोर्शे कायन। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी लग्जरी कार आज आप यहाँ पर ख़रीदेंगे, या आप यहाँ पर आज जो भी गाड़ियाँ आप देखेंगे और देखने के बाद ख़रीदेंगे, वो सारी की सारी लेस ड्रिवन है, सर्टिफाइड है, गियरबॉक्स पर 6 महीने की वारंटी मिल जाती है, सेल्स एंड सर्विस और फाइनेंस आपको अंडर 1 रूफ मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जब आप एक सेकेंड हैंड या प्री ओन्ड लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं। अगर आप बात करें लग्जरी कारों की तो मर्सिडीज़, पोर्शे, ओडी, BMW, जैगवार, यहाँ पर आपको सारे ही ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और आई होप कि आपको ये स्टॉक पसंद भी आएगा। इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल हैं, और आप जाके इनकी वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि कौन सी कार आप खरीदना चाहते हैं, कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, क्या डिटेल्स हैं गाड़ी की, मॉडल, प्राइस, किलोमीटर्स वगैरह। आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं, आई होप मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो आपको ये देखनी है, क्योंकि पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप वीडियो को जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, क्या किलोमीटर है, और किस तरीके से मैंने जो आज इतनी मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर ये करनाल पड़ता है, तो इतनी दूर आकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और बदले में आपसे भी यही प्यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे भी इतना प्यार दिखाएं चैनल सब्सक्राइब करके। ऑडी Q7 2013 मॉडल हम कार देखने वाले हैं, 4 छल्लों वाली गाड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसके ऊपर एक पंजाबी गाना भी आया था, मैनू चाहिए पता नहीं कैसे था, बट मैनू चाहिए 4 छल्लों वाली गाड़ी, यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब हॉस्टल टाइम में थे तब वो गाना आया था। तो ऑडी Q7 में एक SUV होने के नाते आप इसका लुक देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं, टायर्स देख सकते हैं, सब कुछ A1 कंडीशन में 2013 होने के बावजूद गाड़ी कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है लग्जरी राइड पर आपको मिलेगी वो है अनटच कार बेहतरीन कंडीशन में, ठीक है। तो गाड़ी हम अंदर से देखते हैं, तो अब हम ऑडी Q7 के अंदर हम बैठ चुके हैं, और बैठने के बाद जो सबसे पहली फीलिंग मैं आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि बैठने के बाद एक मॉन्स्टर कार आपको लगती है, क्योंकि जो गाड़ी की ऊँचाई है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, और उसके बाद जहाँ गाड़ी बैठ कर आप सामने की तरफ देखते हैं बहुत ही ज़्यादा A1 फीलिंग है। और जैसे कि आप गाड़ी को देख सकते हैं यहाँ वुडन इंटीरियर का थोड़ा सा फिनिशिंग मिल जाती है, गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इधर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जो फुल ओपन हो जाती है, और गाड़ी में यहाँ पर आपको
हैंड रेस्ट के लिए जगह मिल जाती है, और अगर आप इसको यहाँ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं कुछ। ये दोनों तरफ से ओपन हो जाते हैं, ग्लास रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ग्लास रख सकते हैं। ये आपको कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पर ऑन स्टीयरिंग आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइटर मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का, जिसमें आप अपनी सिगरेट चला सकते हैं। और यहाँ पर ये एशट्रे हो जाती है, यहाँ पर आप गाड़ी के मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप गाड़ी का इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, रेडियो, मीडिया, नेम, टेलीफोन नंबर वगैरह। यहाँ पर आप सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन है, इन्फो है, कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और सेटअप मिल सकता है। यहाँ पर आपको पूरा एसी का कंट्रोल मिल जाता है, पीछे भी आपको रियर एसी भी मिल जाता है। और गाड़ी की सीट्स आप देख सकते हैं, गाड़ी की सीट A1 है, कंडीशंस वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की छत अगर आप देखेंगे तो कितना प्यारा आपको लगेगा जब एक हाईवे पे आप कार चला रहे हैं और गाड़ी के पैनोरामिक सनरूफ ओपन है। आपको वो मूवी देखी आपने रॉक स्टार, जिसमें लड़की ऊपर जब गाड़ी से निकलती है तो कितना प्यारा फील आता है। तो मक्के के खेतों में अगर आप चला रहे हैं, पंजाब की तरफ आप जा रहे हैं, होए बहुत ही बढ़िया फीलिंग आने वाली है कसम से। पैसे नहीं है वरना मैं भी खरीद लेता। तो इस ओडी Q7 के हम प्राइस रिवील करते हैं। गाड़ी हरियाणा रजिस्टर्ड है, गाड़ी 2013 मॉडल है। गाड़ी के प्राइस रिवील करते हैं, डीजल वेरिएंट है गाड़ी। जब आप गाड़ी देखते हैं तो आप बूट स्पेस भी कंसीडर करते हैं SUV लेने के नाते। तो यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं दो बैग के लिए एनफ है। यहाँ पे आपको पुश बटन क्लोज मिल जाता है। एक SUV की जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी होती है वो होता है उसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि जब भी आप ऑन रोड या ऑफ रोड ड्राइव करते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऑफ रोड ड्राइविंग में जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जब आपको इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है तो आपके माइंड को एक फीलिंग देता है कि यार कोई बात नहीं, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं गाड़ी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा है। ओडी Q7 की प्राइस रिवील करने का वक्त आ गया दोस्तों। ओडी Q7 2013 मॉडल, जो कि आपको मिल जाती है, 91,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन शोरूम से बहुत कम, 22 लाख रुपए में शोरूम कंडीशन कार आपको मिल जाती है। 2013 मॉडल, हरियाणा रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर, डीजल वेरियंट ओडी Q7। अंदर से मैं आपको गाड़ी दिखा चुका हूँ, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। गाड़ी में आपको सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, टायर्स वगैरह से गाड़ी ओके है। और जितनी भी गाड़ी की जो रनिंग है, जो मैंने बताई 91,000, वो ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर गाड़ी चेक करा सकते हैं। अगेन मैं फिर से कहूँगा, लग्जरी ड्राइव आप एक बार ज़रूर कंसीडर करें एक लग्जरी कार खरीदने से पहले, क्योंकि गाड़ी देखने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो सबसे पहले लग्जरी ड्राइव, चाहे आप दिल्ली में हैं तो अशोकनगर देख सकते हैं, हरियाणा में हैं तो करनाल देख सकते हैं, पंजाब में तो फिर देहरादून भी देख सकते हैं, मतलब और जयपुर में भी आप गाड़ी देख सकते हैं। इनके जो स्टोर अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी हैं, प्रीमियम सर्विस मिलती है आपको। जब आप शोरूम में एंटर होते हैं, एक फील आ जाता है आपको कि आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने नहीं आए, नई गाड़ी लेने आए, जो कंडीशन में एकदम एक शोरूम जैसी होगी, और प्राइस में एकदम सेकेंड हैंड प्राइस वाली, जो एक प्री ओन कार का जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक किफ़ायती दामों पे मिल जाती है, बहुत सारा आपकी बचत कर देती है। जैसे मैं अगली कार जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो 2 करोड़ रुपए की कार है दोस्तों, लेकिन वो मात्र आपको 70 लाख रुपए में मिल जाएगी। वो एक बोनस डील है सिर्फ फ्लाई राइड ऑफिशियल वालों को। तो जब भी आप चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि तभी मैं आपके लिए एक बेहतर स्टॉक की वीडियो बना सकता हूं। क्योंकि आज के टाइम में जब भी आप कार का वीडियो बनाने जाते हैं किसी भी डीलर के पास, तो फिर से वो यही पूछता है कि सब्सक्राइबर कितने हैं। A ड्रीम कार्स फॉर मैनी कार्स लवर, पोर्शे कायन टर्बो, अ जेड मेटेलिक ब्लैक कलर, जो कि आज हम देखने वाले हैं, जिसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइस में होने वाली है बाय द वे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की। तो सबसे पहले जब गाड़ी के फीचर्स की हम बात करते हैं, तो इंजन की बात करते हैं, तो इंजन इसमें आपको मिल जाता है 3996 cc का, जो कि 550 BHP की पावर जनरेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक स्पोर्ट कार के लिए ये मतलब
जस्टिफाइड है इतना जो BHP जनरेट करता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। यहाँ पर आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, गाड़ी है 5 सीटर्स, तो ये गाड़ी के यहाँ पर आपको मोड मिल जाते हैं अगर आप ऑफ रोड ड्राइव कर रहे हैं या ऑन रोड ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको कंफर्ट मोड मिल जाता है, स्पोर्ट मिल जाता है और स्पोर्ट प्लस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। गाड़ी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको सीट रिक्लाइनिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, थाई कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पर आपको, और गाड़ी में जो TFT लगी हुई है टच स्क्रीन है, और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कितना स्पोर्टी, जो कि स्पोर्ट कार का स्टेयरिंग होता है वो ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉयस्टिक कंट्रोल यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पर आप फ़ोन के कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पिक करना और डिसकनेक्ट करना। यहाँ पर आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है ट्रांसमिशन का, और गाड़ी का जो प्रीमियम फील है वो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि, और यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, आप अगर फ़ोन वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 12 का आपको एक इलेक्ट्रिक लाइटर मिल जाता है, यहाँ पे अपने ग्लास वगैरह रख सकते हैं। और गाड़ी में आपको यहाँ पर लेदर फिनिशिंग के साथ डबल स्टिचिंग मिल जाती है। और गाड़ी की अगर आप गेट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक्स मिल जाती हैं, मतलब पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको डुअल साइड आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और गाड़ी को अगर आप पीछे से देखेंगे, गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हैं, और जो बूट स्पेस है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ गाड़ी का। और इधर आप अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि पूरा खुल जाती है। ज़्यादातर ये कार या तो बॉलीवुड के स्टार्स यूज़ करते हैं या टॉप क्लास पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन अंबानी साहब जैसे लोग। अब आपके जो पैनोरामिक सनरूफ्स हैं उसके कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है एरोप्लेन से, क्योंकि एरोप्लेन में भी आपको ज़्यादातर फंक्शन यहाँ पर भी मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको 745 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो अगेन बेस्ट इन क्लास है एक स्पोर्ट कार के लिए। पोर्शे कयान टर्बो 2015 मॉडल, जेट ब्लैक कलर, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और 76,000 की गाड़ी की रनिंग है, और ये है गाड़ी फर्स्ट ओनर जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये मात्र आपको मिल जाती है 70 लाख रुपए में। जो गाड़ी का जो प्राइस है, जो लॉन्चिंग प्राइस था, वो 2 करोड़ रुपए के पास था, क्योंकि ऑन रोड और थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। अगर आप गाड़ी को बाहर से देखना शुरू करेंगे, इसमें आपको 17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, जो कि नीट एंड क्लीन कंडीशन में 90% से ऊपर टायर अवेलेबल हैं, और पूरी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 2018 मॉडल है, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने वाली है। अंदर से भी मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें, जगुआर XF प्रेस्टीज में आपको ऑलमोस्ट वो सारे प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं जो एक लग्जरी कार में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग के, और यहाँ पर आपको आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ड्राइविंग के, स्पोर्ट्स मोड्स वगैरह, और ऑन स्क्रीन TFT है। यहाँ पर आपको आप वॉइस असिस्टेंट है, आप वॉइस असिस्टेंट के से कुछ भी बोल सकते हैं, और जो कि इसके असाइन टास्क हैं वो आप करा सकते हैं। और गाड़ी आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी के अंदर जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसमें आपको जितने भी आगे वाली जो सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनिंग हो जाती है, और पीछे आपको रियर AC मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेरिडियन का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, और सेफ्टी फीचर्स में आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं और 2 सबसे पीछे हैं, तो टोटल 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पर आपको 2 एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल साउंड करते हैं अगर गाड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आप गाड़ी का अंदर से बोनट देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में सर्विस गाड़ी की हो रखी है, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगेन फिर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी कार लें, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कार की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, और जो प्राइस हम कोट कर रहे हैं यहाँ पर इसका, वो बेहतर है कि नहीं है।
और प्राइस नेगोशिएबल होने वाला। जैगुआर XF Prestige जो कि 2018 मॉडल है, मात्र 2500 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल वेरिएंट है, और ये कार आपको मिल जाती है 39 लाख रुपीज़ में, जो कि प्राइस जो है नेगोशिएबल है। अगली कार जो हम देखने वाले हैं आज वो होने वाली है BMW 640D। तो गाड़ी के बारे में आपको बताना शुरू करूं, इससे पहले आप गाड़ी बाहर से देखिए, गाड़ी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल A1 कंडीशन है। यहाँ पर आप गाड़ी के टायर देख सकते हैं मेरे साथ, गाड़ी के टायर बिल्कुल A1 कंडीशन में है और गाड़ी की पूरी साइड्स वगैरह बिल्कुल A1 कंडीशन में। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है जो कि स्क्रैचलेस है, और आप गाड़ी अगर पीछे से देखते हैं यहाँ पर 640D की बैजिंग मिल जाती है और पीछे LED बैकलाइट मिल जाती है। इसमें भी आपको यहाँ पर दोनों डुअल एग्जस्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल साउंड करते हैं। BMW 640D के अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रीमियम कार है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं आपको एक प्रीमियम कार की फीलिंग आने वाली होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है कि अगर आप यहाँ पर अपने ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, और गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर गियर सिस्टम मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट है, कंफर्ट है। यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के साथ गाड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको 260 की जो है टॉप स्पीड मिल जाती है, ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, अगेन यहाँ पर BMW की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको ये ग्लासेस, यहाँ पर भी आप अपने प्रीसेस चीज़ वगैरह रख सकते हैं, और सिगरेट ऐश ट्रे है एक तरीके से। पीछे की जो आप फीलिंग देखेंगे वो लेदर स्ट्रेचिंग के साथ लेदर सीट हैं, और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, अंदर से नाइस है। इस गाड़ी में एक और कूल फीचर है कि दो ही डोर्स के साथ आती है। अगर आप इसमें एंट्री करनी है तो यहाँ से आपको ये प्रेस करना होगा, ये इधर से आपको प्रेस करके इधर से एंट्री करनी होगी। बेसिकली एक स्पोर्ट कार है BMW की। इस BMW 640D की जो डिमांड है और जो प्राइस है और जो किलोमीटर्स है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ये गाड़ी है 2011 मैन्युफैक्चर, 2012 रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये गाड़ी आपको 36 लाख रुपए मिल जाती है, मात्र 17,000 किलोमीटर चली हुई है, प्राइस नेगोशिएबल। नेक्स्ट कार आज के लिए जो हम अब देखने वाले हैं वो होने वाली है ऑडी A6, जिसकी एक की है, और ये आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री पे। यहाँ पर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये गाड़ी अनलॉक हो गई। गाड़ी को अनलॉक करने के बाद में उसमें एंट्री करने से पहले मैं आपको गाड़ी बाहर से दिखाता हूँ। गाड़ी आप देखिए सिल्वर कलर में है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साफ कंडीशन में है, गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर आपको जो गाड़ी के टायर हैं ब्रिजस्टोन के हैं, तो ब्रिजस्टोन काफ़ी प्रीमियम कंपनी मानी जाती है टायर्स में। और आपको यहाँ पर ये S लाइन है जो कि इसका एक वेरियंट है ऑडी A6 का। यहाँ पर जब आप गाड़ी इधर से देखते हैं तो गाड़ी अगेन फिर से साफ है। इधर यहाँ आपको ऑडी A6 की बैजिंग मिल जाती है। तो दोस्तों अब देखिए आप पुश बटन स्टार्ट के साथ मिल जाती है ये गाड़ी आपको। तो अगेन हम ऑडी A6 में आप दोस्तों एंटर हो चुके हैं, और ऑडी A6 में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पुश बटन के साथ स्टार्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आप इसके जो इंफोटेनमेंट हैं और वॉल्यूम्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन स्टीयरिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है आपको, और यहाँ पर आपको गाड़ी के मोड्स मिल जाते हैं कि कौन से मोड में आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं। गाड़ी की जो टॉप स्पीड होने वाली है वो होने वाली है 300 किलोमीटर्स, और गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने ग्लास वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर आप एशट्रे आपकी, ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। तो अगेन गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए आपको एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। जो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, और गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक लेदर के साथ आपको मिल जाते हैं इसके सीट कवर। यहाँ आपको वुडन इंटीरियर मिल जाता है गाड़ी का,
तो अगेन एक बढ़िया कार है। अब मैं आपको इसकी प्राइस डिटेल्स बता देता हूँ कितने किलोमीटर्स वगैरह चली हुई। यहाँ पर आपको गाड़ी में लॉक और अनलॉक के लिए मिल जाते हैं ऑप्शंस, और गाड़ी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग है, और गाड़ी के अंदर और तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब बताते हैं इसके प्राइस, और प्राइस रिवील करने का वक्त आ गया है। यह है ओडी A6 2013 मैन्युफैक्चर 2014 रजिस्टर, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी मात्र 48,000 किलोमीटर्स चली हुई है। गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस है वो 19 लाख होने वाला है, और ये प्राइस नेगोशिएबल है, तो ये डील आप क्रैक कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लग्जरी राइड का। तो आज की जो नेक्स्ट कार हम देखने वाले हैं वो होने वाली है BMW 520D। और इस गाड़ी के बाहर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है BMW की बैजिंग, और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर, स्पॉटी कलर है, नीट एंड क्लीन है गाड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी के टायर्स वगैरह जो कि 90% से ऊपर हैं, और गुड ईयर के टायर्स हैं जो कि अच्छी कंपनी मानी जाती है। आपको पीछे भी BMW की बैजिंग और यहाँ पे 520D की बैजिंग मिल जाती है। इस गाड़ी को अब हम अंदर से देखते हैं। तो अब हम एंटर हो चुके हैं BMW 520D में। आपको इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के साथ आपको एक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको लाइटर, और यहाँ पर आपको अपने ग्लासेस रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर गाड़ी के आपको मोड्स मिल जाते हैं। 260 गाड़ी की टॉप स्पीड है, ब्लैक फिनिशिंग है, और ये क्रीमी कलर की इसके साथ फिनिशिंग है, लेदर की फिनिशिंग है, और जो सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम है। यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है पीछे, और जितनी भी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनिंग हो सकती है। और गाड़ी एक प्रीमियम कार है, और गाड़ी आपको एक बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है, और बहुत कम किलोमीटर चली हुई है। ये जो BMW 520D है ये है UK रजिस्टर्ड, जो कि 60,000 किलोमीटर चली हुई है, 2013 का ये मॉडल है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 16.5 लाख, जो कि रजिस्टर्ड है। ये एक प्रीमियम कार है जो एक बहुत बेहतर दाम में आ जाती है। गाड़ी नीट एंड क्लीन है, टायर्स वगैरह से और गाड़ी की बाहर से फिनिशिंग वगैरह A1 है, कहीं से आपको कोई भी काम गाड़ी के अंदर नहीं कराना पड़ता। अगर आप गाड़ी के पीछे जो देखेंगे तो लग्जरी राइड की जो सबसे ख़ास बात आपको मिलने वाली है, चाहे आप इनके टोटल 6 स्टोर्स हैं नॉर्थ इंडिया में, कहीं से भी गाड़ी लें, सारी गाड़ियाँ A1 कंडीशन में मिलेगी। गियर बॉक्स पे 6 महीने की गारंटी मिलेगी, और मनी बैक वारंटी भी मिलती है, और मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब फाइनेंस की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर कार नीड्स। सर्विसेज के ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी में हम अंदर एंटर हो चुके हैं, और इस गाड़ी में भी अगेन आपको जैसे कि A6 सिल्वर में हमने आपको दिखाया था, A6 वाइट में भी सारे फीचर्स मौजूद हैं, सनरूफ भी अवेलेबल है। तो गाड़ी अगेन अंदर से जैसे कि आपने देखी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। क्वात्रो का मतलब होता है कि फोर व्हील ड्राइव है गाड़ी, और उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन वुडन इंटीरियर डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्रीमियम फीचर है एक प्रीमियम गाड़ी का। और यहाँ पे अगेन आपको मोड्स मिल जाते हैं ड्राइव करने के लिए, और यहाँ पर आप इसका इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट गाड़ी मिल जाती है। जैसे कि आप गाड़ी के बोनट से भी देख सकते हैं, अगेन एक नीट एंड क्लीन कार है, जो कि बेहतर कंडीशन में, बेहतर दामों में है, और बेहतर प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। गाड़ी अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन। ये ओडी A6 प्रीमियम क्वात्रो प्लस में आपको एक सिल्वर वेरिएंट हम आपको दिखा चुके हैं। ये है ओडी A6 प्रीमियम क्वात्रो वाइट कलर में, जो कि मैन्युफैक्चर है 2013 की, और रजिस्ट्रेशन है 2014 का। सेकंड ओनर है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, और गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है 19 लाख रुपीज़ है, और 48,000 ये गाड़ी चली गई है।
अगर आप इन सिटी ड्राइव के लिए एक हैचबैक प्रीमियम कार ढूंढ रहे हैं तो मर्सिडीज A180 CDI आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। गाड़ी को अगर आप देखना शुरू करेंगे पहली नज़र में ही गाड़ी आपको अपना दीवाना बना लेती है। सिल्वर कलर के साथ इसकी जो ट्यूनिंग है यहाँ पर क्रोम के साथ, वो एक कह लीजिए कि इतना प्रीमियम फील देती है आपको कि आपके बल्ले बल्ले हो जाते हैं देखने के बाद। गाड़ी जब आप गाड़ी को रोड पर लेके निकलते हैं तो लोग बाग गाड़ी को देखते हैं, क्योंकि एक हैचबैक कार मर्सिडीज़ में जब आपको मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इन सिटी ड्राइव के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला ड्राइव करते वक्त। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलॉय व्हील्स के साथ गाड़ी मिल जाती है। और अब गाड़ी के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है। जब आप मर्सिडीज़ की हैचबैक कार के अंदर बैठते हैं तब भी आपको एक ऐसा लगता है कि यार नहीं, गाड़ी में स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि एयरबैग हैं, ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है या म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर ये इतना बड़ा डैशबोर्ड के साथ आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, यहीं से आप फ़ोन कट कर सकते हैं, फ़ोन पिक कर सकते हैं, स्पीकर पे डाल सकते हैं, और वॉइस कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। ये आपकी ऑन स्क्रीन TFT होने वाली है जिस पे आपको गाड़ी की डिटेल्स मिलेंगी। गाड़ी की जो टॉप स्पीड होने वाली है वो होने वाली है 260 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है एक प्रीमियम हैचबैक कार के लिए। मर्सिडीज़ A180 CDI 2013 मॉडल, 71,000 किलोमीटर्स की रनिंग है इस कार की, और ये कार फर्स्ट सेकंड ओनर है, और गाड़ी जो है दिल्ली रजिस्टर्ड है, और ये कार 12,50,000 रुपये में आपकी हो जाती है। तो अब हम एंटर हो चुके हैं एक मर्सिडीज़ सेडान कार जो कि बिजनेस क्लास के नाम से जानी जाती है, और मर्सिडीज़ E220 डी क्लास के अंदर हम एंटर हैं। और अब इस कार का फीचर देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे गाड़ी की, और गाड़ी कितनी ज़्यादा प्रीमियम है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वुडन इंटीरियर मिल जाता है, ऑन स्क्रीन TFT मिल जाती है, और गाड़ी की टॉप जो स्पीड है 260 है, और गाड़ी का जो यहाँ पर आप स्टेयरिंग देखेंगे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, होल्ड करते हैं जब आप गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा। मर्सिडीज़ का यहाँ पर जो बैजिंग है वो अगेन एक प्रीमियम फील आपको देती है, और यहाँ पर आपको अगेन फ़ोन के जितने भी कंट्रोल्स हैं मिल जाते हैं, जैसे कि आप वॉइस कंट्रोल्स मिल जाता है, फ़ोन कट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी का जो है एक तरीके से गियर सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी के जो AC हैं यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोड्स हैं गाड़ी के, ये तो गाड़ी आपको यहाँ पर जो सीटिंग का जो लेदर है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है, और गाड़ी अंदर से आप देखेंगे और बाहर से भी आपने देखी है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और गाड़ी का जो अब डिटेल्स हैं हम रिवील करते हैं, क्या मॉडल, प्राइस, किलोमीटर्स वगैरह हैं इसके। यहाँ पर गाड़ी में आपको LED लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि LED हाई परफॉर्मेंस लैंप्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट्स आपको देते हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग इन नाइट। तो अब इस गाड़ी की डिटेल्स मैं रिवील करता हूँ। 2017 मॉडल ये गाड़ी है, डीजल वेरिएंट की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, और मात्र 37,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, जो आपको मिल जाती है 39,50,000 में, यानी कि 39,50,000 रुपीज़ में। आज की जो हम नेक्स्ट कार देखने वाले वो होने वाली है ऑडी A6 2013 मॉडल, डीजल वेरिएंट, दिल्ली रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर, और ये गाड़ी मात्र 60,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि 18,00,000 रुपए में आपकी हो जाती है। फर्स्ट ओनर ये कार है, और प्रीमियम कार है, और बेहतरीन कार है, गाड़ी पर कहीं से कोई भी स्क्रैच नहीं, अंदर बाहर से गाड़ी पूरी आप जाके चेक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, और बहुत ही पसंद आने वाली ये कार आपको। यह ऑडी A6 प्रीमियम ब्लैक 2012 मॉडल, सेकंड ओनर, जो कि 147,000 किलोमीटर चली हुई है, और सारी गाड़ियां यहां पर जो भी हैं वो सर्टिफाइड मिलेंगी। ये गाड़ी आपको मिल जाती है 13,50,000 रुपये में, प्राइस जो है नेगोशिएबल है।